ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। दिस इज शाइनी एंड आई वेलकम यू ऑल विद एन अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। बंगाली स्टाइल साड़ी ट्रिपिंग तो रहेगी ही, लेकिन आई थॉट टू शेयर माय रिसेंट ट्रिप विद यू ऑल। एंड साउथ हो या नॉर्थ ईस्ट हो या वेस्ट इंडिया के हर कोई अभी तेज़ गर्मी से बहुत ही परेशान है। वैसे में वी वेंट टू एंजॉय द कूल वेदर इन सिक्किम एंड वी कवर्ड ईस्ट एंड नॉर्थ सिक्किम इंक्लूडिंग जीरो पॉइंट, नाथुला, द सिल्क रूट, यमथंग वैली, छांगु लेक एंड ऑल। तो वैकेशन प्लान कर रहे हो तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू विजिट द माउंटेन्स। एंड वीडियो के बीच बीच में मैं इन्फो शेयर करती रहूंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेज ड्रेपिंग। और आज मैं दिखाऊंगी एक ब्यूटीफुल साड़ी ड्रेपिंग जिसे आप कोई भी वेडिंग फंक्शन में आसानी से ड्रेप करके जा सकते हो। इट्स ईजी टू ड्रेप येट लुक्स टू गॉर्जियस। इवन बंगाली वेडिंग में दुल्हन ज्यादातर इसी ड्रेपिंग स्टाइल से साड़ी वेयर करती है, जिसको महारानी साड़ी ड्रेप भी कहा जाता है। एंड पिछले वीडियो में मैंने खुद ही इसी स्टाइल में साड़ी ड्रेप करी थी एंड एक वेडिंग भी अटेंड करी। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर स्क्रीन में दी गई लिंक पे क्लिक करके अभी के अभी देख सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं अबाउट टुडेज ड्रेपिंग, जो कि एक प्रीमियम क्वालिटी की चांदेरी सिल्क साड़ी है। आप अपने किसी भी व्हाइट एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन साड़ी के साथ ये ड्रेपिंग ट्राई कर सकते हो। एंड आई बिलीव सबके पास घर में एक होती ही है जो हम पूजा वगैरह या मंदिर जाते टाइम पहनते हैं। खासकर इफ़ यू आर अ बंगाली, आपके वार्डरोब में लाल पर साड़ी इज़ कॉमन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड आफ्टर दैट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और आज की ड्रेपिंग यूजफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, इट हार्डली टेक्स 1 सेकेंड। और अपने कीमती व्यूज भी शेयर कर सकते हो। नाउ विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो एज यू कैन सी दिस इज़ अ वेलवेट बॉर्डर साड़ी, सो इट्स अ थिक बॉर्डर साड़ी। एंड आज की वीडियो बंगाली स्टाइल साड़ी ड्रेप जरूर है, मगर किसी भी हैवी बॉर्डर सिल्क साड़ी पहनते वक्त आप मेरी दिखाई गई ट्रिक्स से इस्तेमाल करके साड़ी की प्लीटिंग कर सकते हो। तो साड़ी जैसे कि आप देख ही सकते हो बहुत ही प्यारी कलर की है एंड बहुत गॉर्जियस भी है। वेडिंग फंक्शन, पूजा या दिवाली में पहनने के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगी। तो साड़ी ड्रेप करते टाइम आप हमेशा अपने राइट साइड से टकिंग स्टार्ट करें। टकिंग बहुत अच्छे से करें क्योंकि ये साड़ी की बेस होती है। एंड जो फुटवेयर आप यूज़ करने वाले हो बाहर जाते वक्त, उसे पहन के ही साड़ी पहने। इससे आपको राइट अंदाज़ा मिलता है कि साड़ी को कितना ऊँचा या नीचा बांधनी है। ओके, एंड आई विल सजेस्ट साड़ी आप मिरर के सामने पहने। इससे आसानी होती है लेंथ ठीक रखने में। एंड बेसिक एक राउंड को टक करने के बाद वी विल गो स्ट्रेट टू द अनदर एंड, जो कि होगी हमारी पल्लू। तो सेकेंड स्टेप है मेकिंग शोल्डर प्लीस। एंड शोल्डर प्लीस बनाने के लिए आप अपने थंब एंड लिटिल फिंगर का यूज़ करें। इससे बहुत ही आसानी से इवन प्लीस बनती है। फैब्रिक को जिगजैग वे में ओवरलैप करते हुए फोल्ड करते जाए। एंड लेफ्ट साइड की फैब्रिक होगी हमारी फ्रंट मोस्ट प्लीट। एंड फ्रंट मोस्ट शोल्डर प्लीट को थोड़ा सा बाकी सारे प्लीट्स की तुलना में चौड़ी बनाएं, मतलब कंधे जितने चौड़ी रखे। ज़्यादा चौड़ी हो और वो शोल्डर से बाहर निकली हुई दिखे तो बहुत ही बुरी लगती है। तो कोशिश करें शोल्डर प्लीट्स पतली बनाएं, क्योंकि शोल्डर प्लीट्स पतली एंड ज़्यादा दिखे तो वो दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। और फ्रंट मोस्ट प्लीट्स की तुलना में भीतर के प्लीट्स को थोड़ा सा ज़्यादा पतली बनाएं ताकि वो बाहर आती हुई ना दिखे। तो दीज आर ऑल द इजी टिप्स एंड ट्रिक्स टू गेट परफेक्ट शोल्डर प्लीट्स। तो पल्लू की एंड को अच्छे से पकड़ के एक बार झटक ले ताकि सारे फोल्ड्स की क्रीज लाइन बराबर दिखने शुरू हो जाए। अब एंड को टाइटली पकड़ के 1 by 1 सारे फोल्ड्स को प्रोमिनेंट बना ले एंड प्लीज को लेंथ अक्रॉस ठीक करते रहे। साड़ी की फैब्रिक बहुत ही अच्छी है इसीलिए प्लीज जल्दी बन जाएंगे, बट ऐसे बहुत सी साड़ी होती है जिसमें शोल्डर पर ज़्यादा जरी या एम्ब्रॉयडरी का काम रहता है तो प्लीज बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम क्या करेंगे? अरे नो टेंशन, ऊपर की लिंक पे क्लिक करके देख ले मोटी सी मोटी आंचल फैब्रिक पे भी आप कैसे आसानी से प्लीज बना सकते हो। तो जैसे कि आपने देखा, इतने लेंथ तक अरेंज करने के बाद हमने एक सेफ्टी पिन से वो लेंथ तक सिक्योर कर ली है। एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि पर्टिकुलर ये वाली ड्रेपिंग में हमें लंबी पल्लू बनानी है एंड सेफ्टी पिन यूज़ करना मैंडेटरी है ताकि आपकी अब तक की सारी एफर्ट इंटैक्ट रहे। ज़्यादातर आप देखेंगे, अगर आप मेरे चैनल के कंसिस्टेंट व्यूअर है तो मैं हमेशा एंड में पल्लू सेट करती हूँ। इससे मुझे पर्सनली आसानी होती है ड्रेपिंग में, बट आज की ड्रेपिंग में पल्लू पहले बनानी है क्योंकि पल्लू की लेंथ मेजर एंड सेट करने के बाद ही ओनली वी कैन गो फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्टेप्स। तो यहाँ पर लगेगी हमारी सेकेंड सेफ्टी पिन एंड सिक्योर करने के बाद इसे पीछे पुश कर दे, क्योंकि ये स्टेप रिपीट करके हमें फिर से लेंथ अक्रॉस अरेंज करनी है।
एंड अगेन सेम तरीके से वन बाय वन फोल्ड्स को अरेंज कर ले एंड सेफ्टी पिन से सिक्योर करते रहे। एंड हम ये प्रोसीड्योर एक सर्टेन डिस्टेंस गैप मेंटेन करके करते जाएंगे जब तक हमारी पल्लू पीछे ज़मीन को टच ना कर ले। ये आसान है, बस ये पल्लू सेट हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी 70% काम खत्म हो गई है। नाउ वी आर गोना यूज़ द थर्ड सेफ्टी पिन हेयर। तो देखिए पल्लू हमारी तैयार है एंड मैंने प्लीट्स को अपने सारी बॉर्डर जितनी ही वाइट रख के पतले पतले प्लीट्स बना लिए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है अब तक की तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। तो पल्लू की लेंथ हमने मेजर कर लिए है लेकिन पल्लू को हमने सिक्योर नहीं करा है विद द ब्लाउज फैब्रिक, वो हम एंड में करेंगे। तो अब थर्ड स्टेप में आपको अपनी पेटीकोट के बॉर्डर से मेरे हाथ जितनी देखिए इस तरीके से मेजर करके इतना सा छोड़ के बाकी सारे फैब्रिक से सामने की सेंटर प्लीट्स बना देनी है, ठीक है। अब हम सामने की प्लीट्स बनाने के टाइम राइट साइड से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर प्लीट्स बनाएंगे एंड कहाँ उसे यूज़ करेंगे वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। अब अपने थंब एंड लिटिल फिंगर के हेल्प से सेम वे में फैब्रिक को जिगजैग वे में गैदर करते हुए ओवरलैप करते हुए जाएंगे एंड प्लीट्स थोड़ी सी चौड़ी बनाएं, अनलाइक अदर जॉर्जेट और सिफॉन साड़ी, क्योंकि ऐसे बॉर्डर वाली साड़ी में पतली फ्रंट प्लीट्स बनाते हैं तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। 5 to 6 प्लीट्स आर गुड इनफ एंड जैसे कि मैंने बताया लेफ्ट साइड तक हमें पूरे प्लीट्स नहीं बनानी है, इतना सा छोड़ दे। अब सारे प्लीट्स को अपने लेफ्ट हैंड की तरफ घुमा ले एंड हमने जो थोड़ा सा फैब्रिक राइट साइड पे छोड़ा था उसे अपने फ्रंट मोस्ट प्लीट में मिला ले। ऐसा इसीलिए क्योंकि कभी कभी ऐसे सिल्क साड़ीज में हमारी पहली प्लीट राइट साइड की तरफ फैलाया हुआ दिखता है और अगर फ्रंट प्लीट को बाकी प्लीट से ऐसे कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी रखते हो तो वो लेफ्ट पे ही मुड़ी रहती है। प्लीट्स के बोथ कॉर्नर्स को खींचते हुए एक के साथ एक को इवन एंड पैरेलल कर ले। आउटर कॉर्नर्स के साथ साथ इनर कॉर्नर्स को भी इवन करना ज़रूरी है क्योंकि इससे फोल्ड्स अपनी जगह पे अच्छे से बनते हैं। एंड यू कैन सी राइट, मैं जब इनर कॉर्नर्स को एक एक करके खींच रही हूँ तो प्लीट्स कैसे अपने आप अपने जगह पे सेट होते जा रहे हैं। ठीक आपको भी ऐसे ही करनी है। नेक्स्ट स्टेप में सारे प्लीट्स को सिक्योरली पकड़ के अच्छे से झटक ले ताकि सारे प्लीट्स की क्रीज लाइन क्लियर दिखने लगे। बट एज इट्स अ बॉर्डर साड़ी तो इस तरीके की फैब्रिक पे बॉर्डर की वजह से नीचे की फैब्रिक ऑटोमेटिक अरेंज नहीं हो पाती, तो फॉर दैट यू नीड टू फॉलो दिस ट्रिक। प्लीट्स के एज को अच्छे से पकड़ के ऐसे फोल्ड्स में अरेंज कर ले एक साथ एंड इससे नीचे की बॉर्डर थोड़ी सी ऊपर आ जाती है और आप इससे थोड़ा सा झुक के सारी बॉर्डर को प्लीट्स के बराबर ऐसे अरेंज कर सकते हो। एंड ये स्टेप आपको झुक के करने में प्रॉब्लम होती हो तो यूज़ अ चेयर, आप बैठ के भी यू कैन डू दिस सेम प्रोसेस। बस प्लीट्स को अनफोल्ड करते टाइम बी केयरफुल ताकि एज वाली ग्रिप आपसे ना छूटे। तो बॉर्डर वाली सिल्क साड़ीज में आप हमेशा चौड़ी प्लीट्स बनाइए एंड आई होप ऐसी टिप्स आपके बहुत ही काम में आने वाली है। एंड साथ ही ऐसे टिप्स एंड इजी ट्रिक्स मैं अपने हर एक साड़ी ड्रेपिंग वीडियोस में शेयर करती हूँ कि पर्टिकुलर किन किन फैब्रिक पे आपको कैसे ड्रेप करनी चाहिए। आप चाहो तो मेरे दूसरे वीडियोस को चेक कर सकते हो, आपको बहुत सी नई आइडियाज मिल जाएंगी। अब वन बाय वन सारे प्लीट्स को अपने बेली बटन के पास पकड़ ले ताकि टकिंग के टाइम ऐसे 1 सेंटीमीटर की गैप रहे विद वन अनदर। ऐसे चांदेरी सिल्क साड़ीज की फ्रंट प्लीट्स बनाते टाइम ज़रूर ट्राई करें एंड ये नीचे सामने से घाघर जैसी अरेंज होती है एंड स्प्रेड होने की वजह से ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो अब ये लेट वाली फैब्रिक को छोड़ते हुए हम सारे प्लीट्स को एक बार में अपने बेली बटन के पास टक कर लेंगे एंड टकिंग के बाद इफ़ यू आर लेफ्ट विद दिस मच ऑफ फैब्रिक ऑन द राइट साइड उसे भी क्लीन वे में हल्का पीछे लेते हुए बैक पे टक कर दें। और टकिंग के बाद ये कॉर्नर को पकड़ के प्लीट्स के वहाँ से हल्का सा खींच ले इफ़ देयर इज एनी लूज फैब्रिक। नेक्स्ट स्टेप में ये वाले कॉर्नर को लेना है एंड पल्लू को सामने की तरफ खींच ले थोड़ा सा ताकि यहाँ से फैब्रिक थोड़ी लूज हो जाए। तो ये कॉर्नर को हमें सामने से ये बनी बनाई प्लीट्स के ऊपर से पीछे लेना है। अब हम वन बाय वन पल्लू बनाते टाइम जो जो सेफ्टी पिन्स लगाए थे उसे रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ रिमूव। अब शोल्डर प्लीट्स को थोड़ा सा एक एक करके अरेंज कर ले, देखिए ऐसे। अब कॉर्नर को पकड़ के पीछे अपने राइट साइड पर ऐसे टक कर दे। चाहो तो आप एक सेफ्टी पिन से इसे सिक्योर भी कर सकते हो। तो टकिंग के बाद सामने की प्लीट्स को भी सवार ले ताकि कोई भी प्लीट्स अंदर दबी ना रह जाए, क्योंकि साड़ी की खूबसूरती उसकी प्लीट्स की सजावट से ही होती है एंड एज इट्स अ चंदेरी सिल्क साड़ी फैब्रिक थोड़ी सी फ्लफी लगती है। तो प्लीट्स अरेंज करते वक्त मेक श्योर टू प्रेस द प्लीट्स विद योर हैंड ताकि फोल्ड्स प्रोमिनेंट बन जाए।
और प्लीट्स को प्रोमिनेंट बनाते टाइम ये ज़रूर ख्याल रखें बस्ट वाली बॉर्डर जो होनी चाहिए वो एकदम टाइट होनी चाहिए। तो ज़रूरत पड़े तो हाथ थोड़ा सा पीछे लेके फिर से इसको टाइट कर सकते हो। अब पल्लू की सेकेंड पिन को निकाल लें और उसी पिन से हम अपने पल्लू को कर देंगे सिक्योर विद द ब्लाउज फैब्रिक। एंड सिक्योर करते टाइम डू रिमेंबर टू सिक्योर द शोल्डर प्लीट्स अ लिटिल बैक साइड फॉर द परफेक्ट सेटिंग ऑफ योर पल्लू। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली द लास्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप में हमें अपनी पल्लू को सामने से लानी है राइट साइड से घुमा के एंड रिमूव द पिन। अब ये वाली कॉर्नर को लेना है एंड पल्लू को सीधे रखते हुए ये वाले कॉर्नर को लेके तिरछा रख के एक दो प्लीट्स बना ले ताकि राइट साइड की कमर वाली फैब्रिक पे ऐसे इस तरीके से फोल्ड्स बन जाए। नाउ अनलाइक अदर डे हम इस कॉर्नर को अपने बस्ट वाली शोल्डर प्लीट्स के वहाँ सिक्योर ना करके करेंगे ऑन द लेफ्ट शोल्डर। आप ये वाली पल्लू ट्राई कर चुके हो एंड दिस टाइम ट्राई दिस वन कॉज ऑथेंटिक बंगाली साड़ी ट्रिपिंग में ये वाली कॉर्नर्स पे ही महिलाएं अपने चाबी के गुच्छा को बांध के रखती थी एंड दिस इज जस्ट अ मॉडर्न वर्शन बाय सिक्योरिंग विद अ पिन। एंड आई नो अभी थोड़ी सी फ्लफी लग रही है ड्रेपिंग लेकिन इट विल बी सॉल्व जस्ट आफ्टर यू विल वेयर अ वेस्ट बेल्ट अराउंड यू। इससे लुक भी अच्छी आती है एंड आपकी ड्रेपिंग भी सिक्योर हो जाती है। तो आउटफिट से मैच करें ऐसी कोई वेस्ट बेल्ट या वेस्ट चेन जो भी आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ करें एंड टोन जो चूज़ करोगे गोल्डन या सिल्वर जो भी हो मेक श्योर आपकी बाकी एक्सेसरीज भी सेम टोन की ही होनी चाहिए। एंड फॉर दैट आई विल बी यूजिंग द गोल्ड टोन ज्वेलरीज विथ माई साड़ी क्योंकि साड़ी की बॉर्डर में भी गोल्डन रिबन से बॉर्डर है एंड आप ऐसे ही आउटफिट के हिसाब से अपने एक्सेसरीज को चूज़ करोगे। और एक बात छूट गई बेल्ट या चेन सेट करते टाइम पीछे आंचल को बिना लिए सेट करें क्योंकि पीछे आंचल भी बेल्ट के साथ बन जाती है तो ज़्यादा ही चिपकी हुई लुक आती है। ओके सो वी आर डन विथ टुडेज ड्रेपिंग एंड मैंने जितना हो सका इजी वे में दिखाने की कोशिश करी है कि ट्रेडिशनल बंगाली वे में साड़ी कैसे पहना जाता है। नाउ इट्स टाइम टू क्विक एड ऑन सम ज्वेलरीज। As you can see मैंने ऑलरेडी रिंग्स पहन लिए हैं एंड मैंने इस चोकर को यूज़ करा है। आई नो थोड़ी सी हैवी है थॉट टू गिव दिस अ ट्राई लेकिन अब लग रहा है कि मिनिमल चोकर पहनने से ज़्यादा अच्छा रहता एंड स्टाइलिंग इज़ नथिंग बट अ थिंग दैट इज़ इवॉल्विंग विद टाइम एनी वेज एंड दिस ड्रैंगलर्स फॉर द ईयर्स टू कम्प्लीट द लुक। बन मैंने पहले से ही बना लिए हैं और येलो फ्रेंजीपनी की दो क्लिप भी मैंने जुड़ा में सेट कर लिए हैं अपने कान के साइड से। आई नो मेनी ऑफ यू विश टू वॉच दिस बन हेयर स्टाइल। हाई प्रीति सुनंदा आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ वीडियो ऑन दिस बन हेयर स्टाइल दैट आई मेक इन मोस्ट ऑफ माई वीडियोज। आई मीन आई रियली ईगर टू शेयर विद यू गाइज जस्ट स्टे ट्यून्ड। So I hope you loved my today's saree draping and saree styling and I really hope I made justice to your precious time. अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन ताकि कोई भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे एंड वीडियो यूजफुल रहने से प्लीज़ एक लाइक कर दे इट हार्डली टेक्स वन सेकेंड एंड कमेंट्स पे अपना व्यूज़ भी शेयर कर सकते हो इफ़ यू वांट। और हाँ वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूले। नाउ आई विल बी टेकिंग लीव टुडे टू कम विद अनदर वीडियो ऑन द नेक्स्ट डे। तब तक गुड बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग।